लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे बहुत बड़ा हो। भाइयों, बहनों और मित्रों, फेकू का ये भाषण आपको याद होगा। फेकू का ये भाषण तब का है जब मनमोहन सरकार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत प्रति डॉलर 62 रुपए हो गई थी। तब यही फेकू चाचा अनाप शनाप बोलकर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बने घूम रहे थे। दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट और एक काबिल पीएम मनमोहन सिंह पर हब्तियां कस रहे थे, मगर आज मोदी की गरिमा से रुपए की गरिमा 8 गुनी स्पीड से नीचे गिर रही है और हमारे फेकू चाचा आज भी 2 पैग माच कर मस्त हैं। अब ना रुपए की गिरती कीमत की फिक्र है और ना ही नोटबंदी के नुकसान की कोई चिंता है। आज रुपए की गिरती कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। रुपया डॉलर के मुकाबले 71 तक गिर चुका है, मगर हमारे चचा एकदम चुप हैं। न ट्विटर पर ट्वीट है, न मन की कोई बात है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने न कभी स्कूल का मुंह देखा, न कॉलेज का और न ही किसी यूनिवर्सिटी का, बदकिस्मती से आज वो देश का प्रधानमंत्री है। पीएम बनने से पहले वो शख्स शाखा में संघ का प्रचारक रहा है, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। अपने हिंदुत्व पर नाज करके वो एक स्टेट का सीएम बनता है और फिर अपने स्टेट में लाशों के अंबार पर चढ़कर दिल्ली तक का सफर तय करता है। उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? हिंदुत्व का भांग और राष्ट्रवाद का गांजा पीकर देशभक्ति का नशा करने वाले भक्त आज कहाँ हैं? कहाँ हैं वो भक्त जो फेकू चचा को विकास का पुतला बताते थे? कहाँ है वो धूर्त बाबा जो ये कहता था कि अगर फेकू चाचा सत्ता में आए तो डॉलर के मुकाबले रुपया 35 का हो जाएगा? मुझे पता है, आज ये फेकू चाचा के सारे भक्त कंबल के अंदर मुंह डालकर घी पी रहे हैं। खैर, ये अंधभक्त तो 2019 तक शाम से कंबल के अंदर ही मुंह छुपाते रहेंगे, पर फेकू चाचा का लड़का संबित पात्रा आज शाम सारे टीवी चैनलों पर आएगा और बेशर्मी से रुपए की रिकॉर्ड तोड़ गिरती कीमत को भी देशहित में ही बताएगा। तो भक्तों, बोलो भारत माता की जय जय जय।